हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करने जाऊंगा मेरी लास्ट टाइम वाली ड्राइंग, जो कि मैंने आउटलाइन की ड्राइंग की थी सिद्धू मूसेवाला की। तो इस वीडियो में मैं जाके शेडिंग करने वाला हूँ। इस ड्राइंग की वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ शेडिंग के लिए एक डॉम्स की पेंसिल, जो कि बहुत अच्छी रहती है। तो चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले पार्ट में मैं करूँगा इस ऊपर वाला जो पगड़ी रहती है उस पर शेडिंग करना। तो पहले मैं यूज़ करूँगा शेडिंग के लिए 2B पेंसिल। तो आपको भी मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करते रहना है। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना है, और ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से शेडिंग करना है। नहीं तो शेडिंग वाला पार्ट ही एकदम रियलिस्टिक बनाता है, ड्राइंग में जान डालता है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी ना बनाए। तो देखिए, मैं इसे ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मेकअप ब्रश, जो कि पेंटिंग ब्रश का भी यूज़ करते हैं, पर मेकअप ब्रश से अच्छी ब्लेंडिंग, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, तो इसलिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए। तो अब मैं लेकर आया हूँ ये 4B पेंसिल। तो इससे पहले शेडिंग कर लेते हैं। आपको उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में आपको करते रहना है, 2-3 डायरेक्शन में नहीं करना है। तो चलिए इसे भी ब्लेंड कर लेते हैं अभी मेकअप ब्रश से। तो ब्लेंड होने के बाद अब मैं लूँगा 8B पेंसिल से शेडिंग करूँगा। और देखिए, मैं जैसे उसका डायरेक्शन मैंने पहले किया है, एक ही डायरेक्शन में मैं करते रहूँगा, आपको डायरेक्शन नहीं बदलना है। तो ये पहले मैंने जो पगड़ी पर लाइनें दिख रही थी, जो लाइनें होती हैं वो ही लाइनों को मैं डार्क कर दूँगा। और देखिए, उनके बीच में मैं शेडिंग कर रहा हूँ 8B पेंसिल से। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा ये कैसी अच्छी नहीं दिख रही होगी, रुक जाओ, अभी जैसे ही मैं शेड करूँगा तब देखना इतनी अच्छी दिखेगी। ये देखिए, मैं ब्लेंडिंग करने लगा हूँ इसमें। और एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि आपको मेकअप ब्रश से शेडिंग करते हुए वक्त एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने ये शेडिंग किया उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एक तरफ का हिस्सा जो क्या है पगड़ी का कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी तरफ का मैं करूँगा, तो सेम उसका जैसे मैंने उस तरफ किया था जैसे मैं इस तरफ भी करूँगा। तो पहले मैंने ले लिया 2B पेंसिल और इस पूरे पर शेड कर लूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस पर ब्लेंडिंग शेडिंग कर ली है। तो अब मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करूँगा इसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए। तो इसमें भी मैं सेम डायरेक्शन का ही यूज़ करूँगा। और ये मैं ये कर रहा हूँ अभी 4B पेंसिल से। तो जैसे मैंने पहले डायरेक्शन में किया था तैसे मैं इस वाली में भी सेम डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इसमें शेडिंग करूँगा। ऊपर से नीचे की तरफ ही डायरेक्शन में मैं करूँगा शेडिंग। तो आप मतलब इसे भूल ना जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, एक ही डायरेक्शन में आपको करना है, इसमें ब्लेंड भी करना है और शेडिंग में इसे एक ही डायरेक्शन में करना है। तो देखिए, मैंने ब्लेंड कर दिया है। आपको जितना हो सके मेकअप ब्रश से ही ये शेडिंग और ब्लेंडिंग करा करें, इससे ज़्यादा बहुत ही अच्छी रियलिस्टिक ड्राॅइंग बनती है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। तो देखिए, मैंने इस पे जो पगड़ी पर जो लाइनें सी दिखती हैं ब्लैक डार्क में, जो ज़्यादा लाइनें दिखती हैं उसको मैंने कर दिया इधर पे ड्रॉ। और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल का इस पे शेडिंग करने के लिए। तो ये देखिए, सेम डायरेक्शन में इसी तरफ में जैसे पहले मैंने किया था वैसे ही करूँगा। अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो पेंटिंग ब्रश से भी कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं दिखता है। जिससे जैसे इधर पे देखो ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, ये देखिए मेकअप ब्रश से। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो रहा है इधर पे। तो यहाँ पे पूरा ब्लेंड हो चुका है। ये जहाँ जहाँ पे थोड़ा लाइट दिख रहा है वहाँ पे और मैं कर लूँगा थोड़ा थोड़ा। तो देखिएगा, इस मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। हो सके तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दिए। तो हमारी वीडियो बस इतनी ख़त्म पे, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।